भाई अब एजेंट के चक्करों में ना ही पढ़ो तो बेटर है, ठीक है। अब खुद अप्लाई करो। हर यूके से शंगन वीजा लेना भाई इतना ईजी है, मैं क्या बताऊँ। आप अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, उस टाइम पे वॉक इन पे एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रही, आपको कितने पैसे शो करवाने हैं अपने अकाउंट में, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला शंगन वीजा के रिगार्डिंग, मेनली बात करूँगा कि शंगन वीज़ा पे इस टाइम पे कितनी कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जब नया नया बच्चा यूके में आता है तो वैसे तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पहले तो जॉब ही नहीं मिलती, ठीक है। अगर जॉब मिलती है तो बहुत सारे बच्चे पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते कि मेरा शंगन वीज़ा पे 500-700 पाउंड ना स्पेंड हो जाए, ताकि उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, क्योंकि उनको अपना भी खर्चा चलाना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी का भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि शंगन वीज़ा पे आपकी कितनी कॉस्ट आ सकती है और आप अपना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एजेंट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती शंगन वीज़ा लगाने के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, क्या होटल बुकिंग या फिर प्लेन टिकट करवाना ज़रूरी होती है कि नहीं होती ज़रूरी, इंश्योरेंस का क्या सीन रहता है। तो बस इसी टॉपिक पे सारी वीडियो होने वाली है आज। तो पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जो जो अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, शंगन वीज़ा लगाने के लिए क्या होता है कि एक तो वॉक इन पे जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके, जैसे पासपोर्ट, BRP, इंश्योरेंस, ट्रैवल टिकट, ठीक है, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस वगैरह लेके, या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके सारे सीधे एम्बेसी में चले जाते हैं। यस, अगर आपको किसी भी जिस कंट्री का लगाना है, वैसे तो मैक्सिमम स्पेन का वीज़ा इस टाइम पर लग जाता है, स्पेन का मतलब वॉक इन पर बहुत ईजी से लग जाता है, ठीक है। क्या करते हैं कि बच्चे चले जाते हैं वहाँ पे सीधा उनकी एम्बेसी में चले जाते हैं, देन क्या करते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं उनका अगर उनके पास उस दिन ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक ना हो तो वो वॉक इन पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर उनके पास अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वॉक इन पे एक्सेप्ट नहीं करते। किसी किसी के बच्चे का एक्सेप्ट हो जाता है वॉक इन पे, किसी किसी का नहीं होता, ठीक है। मेरे फ्रेंड का लास्ट मंथ हुआ था वॉक इन पे एक्सेप्ट, ठीक है, और मेरा जो हुआ था वो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी, ठीक है। तो किसी किसी का वॉक इन पे हो जाता है, किसी किसी का अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लो, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो वॉक इन पे एक दो बार ट्राई कर लो, अगर मिल जाता है तो बेटर है, नहीं तो अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करो। हाँ तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ कि कितना खर्चा आ सकता है शंगन वीज़ा लगवाने के लिए यूके से। फर्स्टली तो देखो क्या होता है कि मेन तो होता है अपॉइंटमेंट अगर आपको मिलती है तो अपॉइंटमेंट का कोई खर्चा नहीं होता, वैसे तो अपॉइंटमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद क्या होता है, अपने फोटोकॉपीज वगैरह निकलवानी होती है, उस पर थोड़े बहुत पैसे लग जाते हैं, जैसे 10-20 पाउंड लग जाते हैं, ठीक है। मैं पूरा खर्चा आपको बताऊंगा कितना बंदे का खर्चा आ सकता है। फोटोकॉपीज पे थोड़े बहुत पैसे लग जाते हैं, एयर टिकट पे पैसे लग जाते हैं। अगर आपको आप क्या करो कि भाई सीधी ओरिजिनल टिकट कराओ, ठीक है, डमी टिकट ना करवाओ। डमी टिकट पे वैसे वीज़ा आ सकता है, क्योंकि डमी टिकट भी शो वहाँ पे बंदा करवा सकता है, बट मैं क्या बोलता हूँ कि आप ओरिजिनल टिकट करवाओ। तो ओरिजिनल टिकट क्या होती है कि एक आपके लिए मतलब थोड़े लॉन्ग पीरियड का डालो, जैसे अगर आप आज वीज़ा लगवा रहे हो, ठीक है, आप अक्टूबर में वीज़ा लगवा रहे हो, आप टिकट डालो दिसंबर की, ठीक है, आप उसमें दिसंबर की टिकट डालो, आप इन फ्यूचर आप उसी टिकट पे आप जा भी सकते हो, ठीक है। तो होटल बुकिंग का डाल दो, होटल बुकिंग वैसे डमी वगैरह हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होटल बुकिंग भी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि एक डमी टिकट का एक कंफर्मेशन है आपके पास उस होटल की, बट आपने पैसे नहीं पे किए हुए, आप पैसे बाद में जाके पे करोगे, ये होती है डमी चीज़, ठीक है। ये नहीं कि डमी मतलब कुछ भी है, फोटो कापी निकलवा दी, ऐसा नहीं होता, वो एक कंफर्मेशन आपका होटल बुकिंग में है, बस आपने पैसे नहीं पे किए हुए, ठीक है, वो ओरिजिनल हो जाती है। जब आप ओरिजिनल करवाते हो तो आपको अलग PDF मिलती है उस चीज़ की। तो ये नहीं होता कि डमी का मतलब है कि आप फेक चीज़, फेक नहीं होती भाई, वो होता है कि आपने पैसे नहीं पे किए ज़्यादा, बस आपने एक कन्फर्मेशन ली हुई है उस होटल से या उस एयर टिकट से, ठीक है, यही चीज़ होती है। तो क्या होता है कि आप थोड़े बहुत पैसे डमी टिकट पर लगते हैं या फिर होटल बुकिंग के लगते हैं, मतलब अगर आप डमी टिकट करवाते हो तो डिपेंड करता है कि कौन से मतलब प्लेन से करवा रहे हो, कौन सा होटल है, ये चीज़ थोड़ी डिपेंड करती है, 20-30 पाउंड लग जाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों पर भी। ओरिजिनल करवा लो बेटर है, ठीक है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर तो जाना ही है वहाँ पे घूमने, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को इस मंथ छुट्टियाँ हो सकती हैं, आप उसी पीरियड का टिकट डालो, होटल बुकिंग डालो, ठीक है, इंश्योरेंस मिल जाता है, 5-10 पाउंड का इंश्योरेंस हो जाता है। देन क्या होता है कि वहाँ पे VLS में कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी अगर आपने लगवानी है, आपने अपना वीज़ा एक वीक या दो वीक के अंदर अंदर लेना है, तो 180 पाउंड, 185 समथिंग लगते हैं, ठीक है, मेरे 184 समथिंग लगते हैं, मेरे को अभी याद नहीं है इतना, पर 180 और 190 के बीच में लगते हैं। तो आपके मतलब लगा लो कि 250 के आसपास सारा प्रोसेस कंप्लीट। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा पैसे खाते हैं भाई, वो पहले बोलते हैं 200 पाउंड दो, फिर
£60 दो, ठीक है। मेरे बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे वेस्ट किए इन चीज़ों पे, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया उन पे, मैंने उनको 300-400 pounds ऐसे दे दिया बिना मतलब के। तो जेंट बहुत ज़्यादा पैसे खाते हैं बच्चों के, तो मेक श्योर करो कि थोड़ा मतलब अगर आपको लगता है कि थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे गूगल वगैरह पे नॉलेज लो, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, ठीक है। खुद ही अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे तो बेटर, अपनी मेल वगैरह अपनी लगवाओ ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपकी मेल पे आए, ठीक है। क्योंकि जेंट क्या करते हैं अपनी मेल लगा लेते हैं, उनको सारी नोटिफिकेशन आती हैं, फिर वो आपको ब्लैकमेल करके वो ज़्यादा पैसे खाते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं करते वो, ठीक है। तो आप खुद ट्राई करो, ठीक है। गूगल पे थोड़ा सर्च करो इस चीज़ के ऊपर, आपको हर चीज़ अवेलेबल है भाई इस टाइम पे, ठीक है। आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर आपको सीधी वॉक इन पे जाना है, आप अपने जो भी जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे एक प्रॉपर वे में सेटअप करके आप सीधा एम्बेसी में चले जाओ, वहाँ पे उनको बोलो कि मैं स्पेन का वीज़ा मैंने लगवाना है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका वहीं पे फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा उसी दिन। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का बता दूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, जिस मतलब शेंगेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक, ठीक है, वो लगता है। उसके बाद क्या होता है कि एक होटल बुकिंग लगती है, एयर टिकट लगती है, उसके बाद इंश्योरेंस लगता है, आपकी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट लेटर लगता है, आपका स्टेटस लेटर लगता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, आपका BRP, आपका पासपोर्ट और आपके दो फोटोज़ लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगती हैं, अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप एक बार मेक श्योर कर लेना। बस ये मेरे ID से तो ये सब चीज़ें लगती हैं, तो अगर आपका ये सारी चीज़ें हैं एक प्रॉपर वे में तो आपका शेंगेन वीज़ा इजीली से लग जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट मतलब लेने की कोई नीड नहीं है, पहले आप ट्राई कर लो कि अगर आपको वॉक इन पे एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो, थोड़ा पता कर लो, एक दो दिन चले जाओ वहाँ पे, है ना। वो आपको बाहर से ही बता देंगे, बाहर जो गेट पे मतलब उनके डोर पे होता खड़ा, क्योंकि जब एंट्री मिलती है आपको, अब वहीं पे पता कर लो कि क्या वॉक इन पे एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, आज कितनी, उनको सारा चीज़ पता होती है, वो आपको खुद ही बता देंगे सब कुछ, ठीक है। थोड़ा अर्ली चले जाओ, कोई लेट ना करो अपने, है ना। अगर आपका मतलब 8 बजे के आसपास अगर खुलती है तो आप 6-7 बजे चले जाओ, ताकि आप एक जल्दी आपका हो जाए सब कुछ प्रोसेस, है ना। तो और बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम बैंक में कितने पैसे रखें। तो भाई पैसे का कोई वरी नहीं है, देखो यार अगर आपके अकाउंट में 2000 भी हैं 3000 भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कम से कम कितने होने चाहिए, 800 pounds तो होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप 200 pounds लगा के अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवा दो। आप ये भी ना करो कि मैंने आज पैसे डलवाए और आज ही मैंने स्टेटमेंट मतलब निकलवा ली। वैसे कर सकते हो बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो आप यूरोप का वीज़ा लगवा रहे हो, ठीक है। अगर आप कहीं ऑस्ट्रेलिया कनाडा का अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो, आप मतलब 800 pounds तो शो करवाना ही करवाना है। अगर आप ज़्यादा करवाओगे तो क्या पता आपको 3 month की जगह 6 month का वीज़ा मिले, ठीक है। क्योंकि मैंने शो करवाए थे 1300-1400 pounds तो मेरे को 6 month का उन्होंने दिया था, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा शो करवाओगे आप कुछ क्या पता उतना लंबी पीरियड का वीज़ा मिल जाए, इससे उनकी मेंटालिटी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वैसे चीज़। तो आप 800 pounds तो नॉर्मली करवाओ। हाँ, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलता हूँ आपको मैं नई वीडियोज़ में, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियोज़।